प्रयागराज के ब्लॉक कोंधियारा के ग्राम सभा उमरी तालुका पुरवा में आवास बांटने के लिए लोगों से मोटी रकम ली जा रही है और जो गरीब प्रधान और सेक्रेटरी को 20,000 रुपए नहीं देगा तो उसका आवास काट दिया जाएगा। ये धमकियां उस क्षेत्र और गांव की सेक्रेटरी कविता यादव और सोहन लाल प्रधान जी कहते हैं। ये सब जानकारी गाँव के पीड़ित महिलाओं का कहना है। इस वीडियो में महिलाओं ने अपने दुख को पत्रकार से मिलकर बताया है और वो उच्च अधिकारियों तक बात जाए और इसकी जाँच हो और इन पर उचित कार्यवाही हो तब उस गाँव के गरीब परिवार को राहत मिलेगी। ऐसी घटनाएं पूरे ब्लॉक कोंधियारा के सभी गांव की स्थिति इसी प्रकार है। सब जनता सेक्रेटरी से परेशान है। यही लोग घोटाले के मुख्य आरोपी होते हैं और इन्हीं के बल पर प्रधान भी हाथ मिलाकर चोरी घुसखोरी आदि सब करते हैं। रुक्मीना, कौन सा ग्राम सभा है? यहाँ के प्रधान कौन है? सोहनला। तो आपकी क्या समस्या है? का समस्या? घर गिर गया। अब साहेबान, तो ये बताइए ये जो आन फोटो तो खींच के लाए गए घर गिरा तो हमारा आ गया तो ललन प्रधान बता दें सेक्रेटरी साहेब आइन कहे कि क्या कहते इनके पक्का बा इनके बम्बा बहनी इनके कॉलोनी ना मिले। तो क्या आपके पास पक्का है? नहीं बेटवा पतोहू बनवाए हैं अपन लाइक एक दुई कमरा। तुम लोग इस समय वर्तमान में कहाँ रहती हो? कुरियम रही थे वहाँ का कहते सीटी छाए है वही में अपन रही थे दोनों परानी सुगर एक कोने रहते कोने हम पचे रहे। जैसे इस कड़ाके ठंडी में आप लोग वहाँ कैसे अपना जीवन बसर कर रहे हैं? प्यारा पता है बिछाए कोई में रहे का और का जैसे बगल से कुरिया से हवा भी जाता होगा आप लोगों को? जाता है वही लगाए है का कहते नहीं पन्नी लगाए ले इतना वही जाली वाली। तो आपके ग्राम सभा का प्रधान का क्या नाम है? सोहनलाल। सोहनलाल, इनके पास आप कभी गई? गा कहन के हमारा दिया दे कहा मिले मिले हम कहा आई रही कॉलोनी हमारा दिया दे कहा मिले फिर सर ना गन जब कटवाए दे तो कहां से मिले। तो कटवा दिए कि कुछ पैसे मांग रहे थे आप लोगों? हां कहां पैसा दे तो पैसा। कितना पैसा मांग रहे थे? 20,000। तुम्हारी क्या दिक्कत है माता जी? जी और हमार कॉलोनी आई रही सोहन लाल पैसा मांगत रहे नहीं दी ना। कितना मांगत रहे सोहन लाल पैसा? 3 टाइम दे रहे तो जब हम कहा कि हमार कॉलोनी नहीं आई तो सोहन लाल पहुँच के कटवा दे। सोहन लाल कटवा दिए? हाँ। आप इस समय इसमें रह रही हैं? हाँ। ये घर आपका है? हाँ, तो आप इस टुटही मड़ई में कैसे अपना जीवन गुजर कर रही हैं माता जी? रही थी भैया मार वो सबूत बुद्ध की हुआ तो रहा था न के अन्न में और मगर हम कगक कॉलोनी नहीं देहन सो हम। तो आपके यहाँ के सेक्रेटरी कौन है? कविता यादव। तो ये भी पैसा आपसे मांग रही थी? हाँ हाँ भैया मांगा थी। कितना मांग रही थी? 5,000। 5,000। हाँ जी ठीक है।